हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात समझाता हूँ। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जब भी हम लोग कराते हैं बेसिकली वो कैसे होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अगर ये तुमको समझ में आ गया तो बाकी का प्रोसीजर तो समझ में आ जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होता है जरा समझो। देखो, जब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें किसी भी एलिमेंट का जो एटम पार्टिसिपेट करता है तो वो एटम बाहर वगैरह से नहीं आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, और वो फर्दर ब्रेक भी नहीं करता है। होता क्या है, जो हम लोग रिएक्टेंट के साइड में यूज करते हैं उन्हीं के बीच में आपस में बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटने के बाद आपस में वो रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जब रिएक्शन कराए तो उसमें जो हम लोग लिए हैं सब्सटेंस उसमें कोई नया सब्सटेंस और अलग से आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो हम लोग यूज करते हैं उसी में बॉन्ड टूटता है, उसी में बॉन्ड टूटने के बाद न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो समझते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका हिंदी में नाम है संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। मतलब मैं ऐसा लेके चल रहा हूं कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है? अब देखो जरा समझते ध्यान से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो तीन जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं। जब वो आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझो। जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड अपन किस में लेंगे? सॉलिड में लेंगे, ध्यान से समझना। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बिन बुझा चूना, क्विक लाइम भी कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या मिलाने वाले हैं हम लोग? पानी मिलाने वाले हैं। क्या मिलाने वाले हैं? पानी। पानी किसमें होता है? लिक्विड में होता है, तो यहां पर मैंने एल लगा दिया। तो अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, पानी हमारा लिक्विड में होता है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो मिलने में क्या होता है कि अब ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन किसी नाइट्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाए, ये कैल्शियम फॉस्फोरस में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन्हीं के बीच में बॉन्ड टूटेगा और यही आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा बेटा, ये एक्वस में बनेगा। किसमें होगा? एक्वस में होगा। इस तरीके से तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बनता है, लेकिन ध्यान देना कि ये किसमें होगा? ये हमारा एक्वस में होगा। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में यहां पे क्या निकलेगा बाहर? एनर्जी निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? एनर्जी। अब ये एक्सपेरिमेंट तुम घर पे देखे होंगे, दीपावली वगैरह के समय में या कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है तो घर पे चुनना उन आला के अस्तित्व, तो मतलब अलग अलग ही प्रकार के केमिकल्स आते हैं जिनको पुताई करते हैं दीवार पे। लेकिन बात ध्यान से जरा समझना, चूना पहले के समय में पोता जाता था, अभी भी मिलता है चूना, ठीक है? देखो होता क्या है, इस चूने को कहते हैं बिन बुझा चूना। इसको जब तुम पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसे स्लैग लाइन या बुझा चूना कहते हैं। इसका यूज कहां करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करता है? इसी का यूज हम लोग दीवार पे पुताई के रूप में करते हैं। अब एक बात ध्यान से समझा रहा हूं, समझना। जैसे मान लो ये दीवार है, इस दीवार पे प्लास्टर व्लास्टर हो चुका है, तो अपन क्या करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड लाएंगे, पानी डालेंगे, पानी डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इसके ऊपर ऐसे ऐसे पुताई कर देंगे। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसके ऊपर ऐसे ऐसे पुताई कर देंगे, ब्रश के थ्रू पुताई कर देंगे, तो पुताई करने के बाद हमारे एनवायरमेंट में चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल होते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ धीरे 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 रिएक्ट करता है। मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लो, ये दीवार पे लग गया, ये बुझा चूना है, दीवार पे लग चुका है, इसे स्लैग लाइम कहते हैं। अब ये हमारे एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दो तीन दिन में ये रिएक्शन होता है, ये प्रोसीजर दो तीन दिन में होता है, धीरे धीरे होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे 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 क्या करता है? रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। तो उस पे जिस पे तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोते थे, अब वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो वो क्या होता है, फिर वो दीवार जो होता है वो चमकने लगता है। तो कहते हैं कि ये चमकने लगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब चूना पोता जाता है दीवार पे तो उतना चमकता नहीं है, लेकिन दो तीन दिन बाद देखते हैं जब वो सूख जाता है पूरी तरीके से तो अच्छे से चमकने लगता है। तो रीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरमेंट में होता है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, तो यही रीजन है कि वो चमकने लगता है, ठीक है? अब सबसे मस्त बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर या मार्बल भी कहते हैं। इसलिए मैंने देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था, इसको क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं।
इसे संगमरमर कहते हैं या इसी को मार्बल भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब देखो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है, जैसे कंबशन ऑफ कोल। कंबशन का मतलब होता है कि जब किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो कंप्लीट कंबशन कराते हैं। जब कंप्लीट कंबशन कराओगे तो वहां पे जो राख मिलता है वो सफेद कलर का मिलता है। जैसे लाश वगैरह कभी जलाते हैं या फिर चूल्हे पे कभी खाना बनाओ, जब चूल्हे पे खाना बनाओगे तो उसमें से जो राख निकलेगा वो सफेद रहेगा, मतलब उसका पूरी तरीके से कंबशन हो चुका है। अगर कंबशन पूरी तरीके से नहीं होता है तो उसे इनकम्प्लीट वो बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। उस केस में क्या होता है, जब बर्निंग होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब भरपूर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो नहीं जलेगा तो उसका राख जो होता है लकड़ी का जो भी होता है वो काला हो जाता है। तो ये ध्यान देना, तो जब कंबशन का मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन कराएंगे, देखो भरपूर ऑक्सीजन देंगे जब कार्बन को तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ज्यादा मात्रा में भरपूर ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला देंगे पानी बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये सिर्फ एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। एक बात और समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी बाहर निकला मतलब ऊर्जा बाहर निकल रहा है। जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जहां पे एनर्जी बाहर निकलता है। जैसे मान लो रोड पे क्या करते हैं, कभी हम लोग एकदम ऐसे 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 दौड़ते हैं, तो जब दौड़ते हैं तो हम लोग का बॉडी एकदम गर्म हो जाता है, एकदम पसीना बाहर आने लगता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारे बॉडी से एनर्जी बाहर निकलता है। जब बॉडी से एनर्जी बाहर निकलेगा तो उसे बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, या फिर उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। देखो एक मस्त बात बताता हूँ, सबसे पहले इधर चलते हैं, नेचुरल गैस का कंबशन कराते हैं। नेचुरल गैस हमारा कौन होता है सर, मीथेन होता है। ध्यान से सुनो, मीथेन को नेचुरल गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस होता है। इसमें ऑक्सीजन पास करो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा साथ में, देखो फिर एनर्जी यानी ऊर्जा बाहर निकल गया। तो ये होता है कंबशन का खेला, जहां जहां कंबशन होगा पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, और जब पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे जो राख मिलेगा वो सफेद कलर में मिलेगा। आगे चलते हैं, देखो रेस्पिरेशन ज्यादातर, अब तुमको एक मस्त बात बताता हूँ। सबसे पहले रेस्पिरेशन का मतलब समझाता हूँ। देखो जैसे किसी से अगर पूछोगे तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको नॉर्मल भाषा में श्वसन कहते हैं, हिंदी में श्वसन कहते हैं। अगर किसी से पूछे बोलेंगे सांस लेना श्वसन कहलाता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो समझाता हूँ मैं, ध्यान से समझो। हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि हम अगर कोई भी फंक्शन करेंगे जिंदा रहेंगे तो हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा, वो एनर्जी हमको भोजन से मिलेगा। अब भोजन में क्या हमको चाहिए सर, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ मिलेगा, चावल में, आलू में, ब्रेड में, ग्लूकोज में, चीनी में, इन सब जगहों पे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हम उस कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, ठीक है, खा लिए बिल्कुल। जब उस कार्बोहाइड्रेट को हम खाएंगे तो वो हमारे बॉडी में जाकर टूटता है। तो जैसे मान लो हम कल को ब्रेड खा लिए, आलू खा लिए, आलू में स्टार्च पाया जाता है। अब मान लो हम आलू खाए, आलू में स्टार्च पाया जाता है, वो स्टार्च हमारे बॉडी में जाकर टूटेगा। जब हमारे बॉडी में जाकर टूटेगा तो वहां से ग्लूकोज मिलेगा। जब ग्लूकोज मिलेगा तो वो ग्लूकोज क्या करता है, हमारे जो सेल होते हैं, ये सेल, इसको कोशिका कहते हैं, इस सेल में, कोशिका में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके हमको भरपूर एनर्जी देता है, जिसके थ्रू हम कोई काम कर सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ये ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, श्वसन का मतलब ये होता है, जिसको नॉर्मल इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास ये ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन पास कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकल जाएगा, साथ में एनर्जी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो जब हम लोग के बॉडी में फिर एनर्जी मिल जाता है, काम करते हैं, एनर्जी बाहर चला जाता है, तो यही प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो कुछ तुमको जादू दिखाता हूं। जैसे मान लो ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल का मतलब हरा सब्जी, उसका छिलका लेते हैं, उसके छिलकों की क्या करेंगे, सड़ा देंगे, क्या करेंगे, सड़ाएंगे। जब उसका छिलका सड़ाएंगे तो वो सड़ करके खाद बन जाता है, जिसको कंपोस्ट कहते हैं। जब वो खाद बन जाएगा तो उसके साथ में एनर्जी निकलता है। और सबसे मजे का बात यह है कि यह भी हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है भाई साहब, इससे भी ऊर्जा बाहर निकलता है। अब समझे, अब देखो मस्त बात, उससे भी मस्त बात, जैसे लहसुन प्याज का छिलका है, अगर तुम उसको लगभग 3 महीने तक क्या करो, डिकम्पोज कर दो। जब 3 महीने डिकम्पोज करोगे तो उससे जो मिलेगा मैग्नीशियम मिलेगा, मैग्नीशियम। अगर मान लो तुम्हारे पास केले का छिलका है, उसको तुम डिकम्पोज कर दो तो उससे तुमको क्या मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। संतरा मौसम्बी का अगर तुम्हारे पास छिलका है, उसको डिकम्पोज करो तो तुमको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा देखो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आसान भाषा में समझ में आ चुका होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने इसलिए समझाया कि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए,
वन शॉट है तो आराम आराम से समझा जाए, इसलिए ज्यादा लेंदी भी ना हो, तुमको प्रिपरेशन करने के लिए आसान है। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पसंद आया तो लाइक करना, तब तक के लिए धन्यवाद।